देखिए, घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है। और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ, ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। वहाँ से आपने लगातार आप जमे रहे वहाँ पर, और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे आप कर रहे थे। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है। और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ, ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। आपने लगातार आप जमे रहे वहाँ पर, और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे आप कर रहे थे। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है। और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ, ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। आपने लगातार आप जमे रहे वहाँ पर, और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे आप कर रहे थे। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है। और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ, ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। आपने लगातार आप जमे रहे वहाँ पर, और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे आप कर रहे थे। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे।